आज का वीडियो स्पेशल दिवाली के लिए है। यहाँ पर मैं घी और कपूर से बनी हुई बाती बनाने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने फूल बाती लिया है, थोड़ा सा कपूर लिया है और मैंने घी गर्म कर लिया है। गाय का घी इसलिए पीला लग रहा है, इसमें मैंने कपूर को इस तरीके से तोड़कर मेल्ट कर दिया है। घी में कपूर बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाता है। इसके बाद जो ये चॉकलेट वाला मोल्ड आता है या फिर छोटी वाली आइस ट्रे हो उसे भी ले सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, घी को बहुत अच्छे से उसमें फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने जो फूल बाती ली है उसे थोड़ा सा खोल लेना है। इसके बाद इसे हमें घी में अच्छे से फिल कर देना है, यानी कि अच्छे से एडजस्ट कर देना है। ऐसे ही हमें सारी बातियों को इसमें डिप कर देना है, यानी कि रख देना है। अगर बहुत अच्छे से एडजस्ट नहीं भी हो पाती है तो आप इसे 10-15 मिनट बाद अच्छे से एडजस्ट कर दीजिएगा और इसे फ्रिज में 1 घंटे के लिए या फिर बाहर आप रखेंगे 3-4 घंटे तो अच्छे से जम जाती है, यानी कि सेट हो जाती है। और जब अच्छे से सेट हो जाती इसे हम निकाल लेंगे। जलाने के लिए कपूर और घी की बाती रेडी है। इस बत्ती को आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस दीपावली पर। पूजा से ही रिलेटेड हमारी दूसरी वाली टिप्स है। यहाँ पर मैंने धूप बत्ती लिया। जब कभी हम सुबह सुबह पूजा करते हैं, बहुत देर होती रहती है और धूप की बत्ती हम निकालते हैं बनाते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो जाता है। तो हमें क्या करना है, जब भी हम धूप लाएं हमें इस तरीके से धूप बत्ती छोटी छोटी या बड़ी जैसे भी आप जलाते हैं उसे इस तरीके से बना करके रख लेना है। इसे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और बहुत अच्छे से एक ही शेप में रेडी हो जाती है। इसके बाद हमें इसे बना करके रख देना है। देखिए मैंने सारी बत्तियों को, धूप बत्तियों को इस तरीके से बना लिया है। जब ये सारे छोटे छोटे काम हम पहले से करके रख लेते हैं तो हमें सुबह ज़्यादा देर नहीं होती और हम बहुत अच्छे से शांति से पूजा पाठ कर सकते हैं। तो आप लोग भी एक टिप ट्राई जरूर करिएगा। चलते हैं दूसरी टिप्स की ओर। दिवाली के लिए हम लोग अपने हाथों से बाती वगैरह बनाते हैं तो बहुत जल्दी से बाती कैसे बने उसके लिए मैं एक जुगाड़ा लाई हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर रुई लिया और एक अगरबत्ती की स्टिक लिया, उसके ऊपर जो उसका मसाला वगैरह लगा रहता है उसको इस तरीके से निकाल दिया। रुई को मैंने बहुत अच्छे से उसमें एडजस्ट कर दिया और एक ही साथ बहुत सारी बातियाँ बन जाती हैं इस तरीके से। ये देखिए, अगर अलग अलग भी बनाएंगे तब भी बहुत ज़्यादा बन जाती हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। पतली, मोटी, लंबी आप जैसे ही बनाना चाहे फटाफट से बना सकते हैं। और इसी तरीके से आप अगर अखंड ज्योत के लिए लंबी बाती बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, बहुत बढ़िया से तैयार हो जाती है। अगर आपने दिवाली पर अभी तक रुई की बाती नहीं बनाई है तो इस तरीके से आप जरूर ट्राई करिएगा, बहुत सारी बत्तियां एक साथ ही बन जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।